बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेमन चिकन की रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन, उसको स्लाइसेस में काट लिया है, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, नमक, 1.5 टीस्पून सोया सॉस, एक अंडा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून आटा, ये दोनों चीज़ें कोटिंग के लिए लेंगे, 1.5 टेबलस्पून हरा मसाला और 1 टेबलस्पून पानी। हरे मसाले की रेसिपी मैं यूट्यूब चैनल पे बता चुकी हूँ, इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन शामिल है। चिकन में सारी चीज़ें अब मिक्स करेंगे। हरा मसाला भी डाल देंगे। पानी डाल देंगे, सोया सॉस, नमक थोड़ा सा डालेंगे, सोया सॉस में भी नमक होता है, कॉर्नफ्लोर और अंडा, इसको फेंट लिया है। अब सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि चिकन में मसाला अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अब कोटिंग के लिए कॉर्नफ्लोर और आटे को मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पर रख देंगे। लेमन सॉस के लिए हम लेंगे 1/3 कप लेमन जूस, ग्रीन ऑनियन ले लेंगे गार्निश के लिए जितनी ज़रूरत है, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून पानी, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1.5 टीस्पून पानी ले लेंगे कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के लिए। अब चिकन के पीसेस पे कोटिंग करेंगे। इस तरह एक एक पीस उठाएंगे। इस तरह सारे चिकन पे कोटिंग कर लेंगे। अब चिकन को डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को लो फ्लेम पे रखा है। अभी जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे।
चिकन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी भी फ्राई कर लेंगे चिकन। आटा और कॉर्नफ्लावर मिलाने से चिकन क्रिस्पी रहेगी। अब लेमन सॉस तैयार करेंगे। छोटा सा पैन लिया है, इसमें पानी डाल देंगे और चीनी। अब चीनी को अच्छी तरह पानी में डिसॉल्व कर लेंगे। चीनी डिजॉल्व हो चुकी है, अब इसमें लेमन जूस डाल देंगे। अब इसमें जोश आने देंगे। अब कॉर्नफ्लोर को 1.5 टेबल स्पून पानी में मिक्स किया है, अब इसको इसमें डाल देंगे। अब इसको गाढ़ा होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब ये गाढ़ा हो जाएगा तो चूल्हा बंद कर देंगे। अब चूल्हा बंद कर देंगे, ये गाढ़ा हो चुका है। सॉस तैयार है। अब स्प्रिंग ऑनियन से इसको गार्निश करेंगे। डिलीशियस क्रिस्पी लेमन चिकन लेमन सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।